हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नए शेयर और बॉन्ड इशू किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है, जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है, और जिन इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच ट्रांजैक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर मिल जाते हैं, जिससे वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अलग अलग मेथड से फंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक इशू। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, वे उन्हें बेच नहीं सकते। अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर सेल करने हैं तो आपको उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल करना होगा। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि आईपीओ में कंपनी अपने शेयर इन्वेस्टर को बेचती है और आईपीओ प्रोसेस पूरी होने के बाद यानी इन्वेस्टर को शेयर अलॉट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, जहां आईपीओ में खरीदे हुए शेयर बेच सकते हो। जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जो बायर्स यानी शेयर खरीदने वालों को और सेलर्स यानी शेयर बेचने वालों को मिलाता है, जहाँ बायर और सेलर के बीच शेयर का लेन देन होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तब हमारे सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जो कि सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यह पहले ही इश्यू किए हुए शेयर ट्रेड होते हैं। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर और बॉन्ड इश्यू होते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में पहले ही इश्यू हुए शेयर और बॉन्ड का ट्रेड होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच ट्रांजेक्शन होता है, तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर के बीच ट्रांजेक्शन होता है, इस ट्रांजेक्शन में कंपनी शामिल नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब वह पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, और जब सेकेंडरी मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं तब वह पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर की प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेयर क्या होता है इसके बारे में।